हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी, क्रंची और लजीज नवाबी सेवई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए नवाबी सेवैयाँ बनाना शुरू करते हैं। नवाबी सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने दो पैकेट सेवई लिया है, बिल्कुल बारीक वाली। ये 150-150 ग्राम का दो पैकेट है, यानी टोटल 300 ग्राम है। ये किसी भी ग्रोसरी की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। ये बारीक वाली सेवई दो तरह की आती है, रोस्टेड और बिना रोस्टेड। तो मैंने रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बिना रोस्टेड सेवई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी हमें इसको रोस्ट करना ही है घी में। अब हम सेवैयों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से तोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग हम घी डाल देंगे और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें सेवई डाल देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसको हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, क्योंकि ये सेवई पतली होने के कारण बहुत ही जल्दी जलने लगती है। तो इसको हम इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लगातार चलाते हुए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे हमारी सेवई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छे से पका लिया है, सेवैयाँ बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब हम आधी सेवई को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और आधी सेवैयों में कलर मिलाएंगे। तो आधी सेवैयों को निकाल लें दूसरे प्लेट में। तो मैंने आधी सेवैयों को निकाल ली है और आधी जो सेवैयाँ बच गई हैं उसमें हम थोड़ा सा पिंक फूड कलर मिला देंगे। आप इसमें कोई भी फूड कलर इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप बिना इसे कलर का बना सकते हो, लेकिन कलर डालने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है और कलरफुल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने एक केक टिन लिया है सेवई को जमाने के लिए, उसमें हम घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे और इसके बाद इसमें हम एक बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे हमारी जो सेवई है बहुत ही ज़्यादा इजीली निकल जाएगी। और इसके बाद हमने जो पहले सेवई निकाल कर रखा था बिना कलर वाले, उसको हम केक टिन में डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसको हमें स्पैचुला की सहायता से इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप इसको कोई भी बर्तन में जमा सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और बॉटम का लेयर तैयार है। अब हम सेवैयाँ बनाने के अगला प्रोसेस में चलते हैं। तो जो बची हुई कलर वाली सेवई है उसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में हम 3 कप के लगभग में दूध लेंगे, यानी कि 750 ml के करीब दूध है और दूध को हम मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है इतने में हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करने के लिए मैंने 1/2 कप दूध लिया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर का और इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से घोलेंगे तो आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार है और दूध में भी उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के लगभग में चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच के लगभग में इलायची का पाउडर और 2-3 चम्मच के लगभग में मिल्क पाउडर। यहाँ पर आप मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप कम कर लें। तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद हम इसे उबाल आने तक 2 मिनट तक और पकाएंगे।
2 मिनट के लगभग हो गया। आप देख सकते हैं दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है मिल्क पाउडर डालने से। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे। तो घोल हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे। यदि आपने एक बार सारा डाल दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, कढ़ाई के तल में चिपक भी सकता है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालते ही दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे चलाते रहना, नहीं तो ये जल भी सकता है और इसमें गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी। इसको हम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लगभग हो गया है और आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में हो गया है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद हमने जो लेयर लगा कर रखा था केक टिन में सेवई का, उसके ऊपर हम ये क्रीम गरम गरम डाल देंगे इस तरह से, और इसका एक मोटी सा लेयर लगाएंगे क्रीम का। इससे हमारी सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मोटी सी लेयर लगा दिया क्रीम का। अब हमने जो कलर वाली सेवई रखा था वो हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देंगे। इसको हमें प्रेस करके नहीं डालना, बिल्कुल हल्के हल्के से डालना ऊपर से इस तरह से, और इसको हल्के हाथों से फैलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे इसको। आप देख सकते हैं मैंने इसको टॉप का लेयर लगा दिया है। टॉप का लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम फिर से क्रीम का लेयर लगाएंगे बिल्कुल मोटी सी इस तरह से, और इसके बाद हम ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसको पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ। पहले मैं इसको चारों तरफ से पिस्ता इस तरह से लगा दूंगी और इसके बाद बीच में किशमिश से इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हो। और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इसे ठंडा होने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला। आप देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार हुई है और बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके चारों तरफ से एक बार इस तरह से चाकू लगा लेंगे जिसे इजीली ये निकल जाएगी। और इसके बाद मैं आपको उसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस क्रीमी सेवइयाँ बनकर तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेस्टी एंड क्रंची हमारी ये नवाबी सेवइयाँ बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।